नमस्कार, मैं रश्मि, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। चिरमिरी के कोरिया कलारी के ऐतिहासिक चाबू में 41 सालों से दशहरा के मौके पर रावण दहन किया जाता है। स्थल के बीचों बीच रावण दहन कार्यक्रम को देखने की अलग अनुभूति होती है। यहाँ के निवासी अलग अलग प्रांतों से आते हैं, जिन्होंने बताया कि ऐसा रावण दहन स्थल उन्होंने कहीं और नहीं देखा। देश के अधिकतर जगहों पे खुले मैदान, मिनी स्टेडियम या अन्य आदि स्थानों पर रावण दहन किया जाता है, मगर कोरिया कॉलोनी में पोखरी तालाब के बीचों बीच कलाकारों के द्वारा रावण पुतला का निर्माण किया जाता है। रावण दहन कार्यक्रम के लिए 20 दिन पूर्व से तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती हैं। निर्माण सामग्री के द्वारा एक से वो नाव बनाई जाती है और रस्सी की छोर पकड़कर चलाते हुए इस छोर से उस छोर लाखमी कर्मी द्वारा चापू से आना जाना कर सामान ले जाते हैं। बनाए गए रावण के पुतला का पैर, हाथ, धड़ तथा सिर को बारी बारी से चापू के मध्य नाव के सहारे पहुंचाया जाता है। जब पुतला तैयार हो जाता है तो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ऐसे में कोरिया पोखरी तालाब का आकर्षण बढ़ जाता है। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की समस्त जनता को आज विजयदशमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की दिन है, सच्चाई के जीत की दिन है और धर्म के स्थापना की दिन है। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आज जो रावण एक जिसका पाप के प्रतीक के रूप में हम उसको जानते हैं, उसका आज उन्होंने वध किया था। तो निश्चित रूप से आज कोरिया कॉलोनी में हमारे साथियों के द्वारा इतना अच्छा आयोजन, जबकि पूरे चिमरी में जो बड़े आयोजन होते थे कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं वो स्थगित हो गए। और कोरिया में जबकि संसाधन कम है, हमारे साथियों ने जो जिस प्रयास के साथ आज इतनी भीड़ के बीच में और टापू में जो रावण का आज जो ये कार्यक्रम रखा है, विजयदशमी का कार्यक्रम रखा है, जितने विसर्जन झांकियां निकल रही हैं उनके साथ हमारी टीम लगी हुई है। उनके व्यवस्था के लिए आगे पीछे दोनों तरफ लगे हुए हैं, फिक्स पॉइंट भी लगे हुए हैं और पेट्रोलिंग व्यवस्था भी लगी हुई है। जिन जिन जगहों में विसर्जन हो रहे हैं माता जी का, उन जगहों में हमारे गोताखोर और पुलिस का पूरा व्यवस्था हुआ है, लाइटिंग व्यवस्था हुआ है। अब लगभग यहाँ पर जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से लगातार हम इस रावण के टापू पे देख रहे हैं कि रावण बनता है। लगभग 30-40 साल हो गए होंगे इसको। कैसे रावण आप लोग बनाते हैं, इतने पानी को बीचों बीच जाकर कैसे क्या करते हैं, बताएंगे इसके बारे में? देखिए, समस्या तो बहुत होती है क्योंकि जो टापू है पानी के दोनों बीचों बीच है, तो हम लोग नाव के द्वारा ड्रम से एक नाव बनाते हैं और जितने भी कारीगर हैं उस पर आना जाना करके उसको बनाते हैं। इसके द्वारा आपको इसके लिए किस किस प्रकार का सहयोग मिलता है, कहाँ कहाँ सहयोग मिलता है? जैसे हमारे जितने भी कोरिया के वासी हैं वो सभी यहाँ पर सहयोग करते हैं अपना, और SECL से हम लोगों ने ड्रम रोम सभी लिया, बिजली बत्ती जो भी यहाँ पर होता है सारा कुछ SECL की तरफ से मिलता है। और हमारे जो यहाँ के जो कोरिया के लोकल लोग हैं काफ़ी आगे आकर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सनी जी, बताएंगे इस रावण को बनाने में किस प्रकार की आप लोग की मेहनत लगी है और कहाँ से कारीगर मंगाते हैं? सर, मेहनत तो हम लोग लगभग ना जाने जब से रावण बना रहे हैं, हर साल हम लोग को करना ही पड़ता है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ होगा ही नहीं। एक रही बात यहाँ के जो कारीगर हैं बिला पानी के, कोरिया के या कभी मनेन्द्रगढ़ के, बदल बदल के अपन कारीगर ले आके आते हैं जो अच्छा बनाता है और उसको चांस देते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा जगह है कि हर किसी को बनाना भी उसके मुश्किल में पड़ जाता है। आदमी की नहीं पानी की बीच तो अपन नहीं जा पाएंगे। अगर कुछ कुछ हैं ऐसे तो बोलते हैं जी अपन करेंगे, इंतजाम के माध्यम से अपन जाते हैं, आते हैं वहाँ पर, मगर अभी तक सब कुछ अच्छा है। अभी तक ऐसा कोई हादसा हुआ है क्या? ऐसा हादसा नहीं हुआ है। और जितने भी लोग हैं बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे चाचा बगल में है, हर परिस्थिति में चाचा बोलते हैं कोई नहीं भी रहेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अकेले अपने दम पे ड्रम बांधना, लकड़ी गाड़ना, पोल गाड़ना, रावण को ले जाना, सब कुछ चाहता। रावण को बनाने में कहाँ कहाँ से आप लोगों को सहयोग प्राप्त होता है? कोरिया के समस्त जितने वासी हैं, हर कोई 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये जैसी जिसकी इच्छा होती है वो सब कोई अपना सहयोग करते हैं यहाँ पे। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ इस रावण को देखने के लिए आते हैं? चर्चा, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, कटगुड़ी, सोनहर, चंगनी, गेला पानी, गुगरी, बाराबड़ी बाजार। अभी कोरोना काल में शायद मेरे समझ से रावण कहीं भी नहीं बन रहा है। पिछले साल के संपूर्ण लॉकडाउन में कहीं रावण नहीं बना था, जगह भी कोरिया में ही रावण बना था। अपन मेहनत और लगन के साथ रावण को बनाने का प्रयास हमेशा करते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों का साथ भी मिलता है, तभी जाके रावण यहाँ पर बन पाता है। देखा जाए तो पूरे चिरमिरी क्षेत्र और आठों कॉलोनी में इकलौता रावण कोरिया कॉलोनी में बनाया गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल।